हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे मेलाज्मा पिगमेंटेशन, जो हमारे गालों पर जो झाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो हमारे चेहरे पर क्यों आती हैं। और ये झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है, ये अधिकतर लेडीज़ में ज़्यादा होती है, जेंट्स में कम होती है। क्योंकि जो लेडीज़ की जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें कई बार उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जैसे वो प्रेगनेंसी के समय, मेनोपॉज के समय उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी, उनके फेस पर झाइयाँ आ जाती हैं। झाइयाँ आने का मेन कारण होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B12 की कमी। तो हमको मेनली ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिनमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन B12 की भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर ये सब हम खाएंगे तो हमारे जो अंदर से स्किन है वो क्लियर हो जाएगी और हमारी जो झाइयाँ हैं वो हट जाएंगी। और ये झाइयाँ जो होती हैं हमारे चेहरे पर आगे दिखाई देती हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी कम कर देती हैं, जिसके कारण से औरतों की जो सुंदरता होती है वो कम हो जाती है। तो उनको एक डिप्रेशन का कारण भी बन जाती हैं। तो हमको मेनली अच्छे से अच्छा फूड खाना है, जो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन 12 रिच फूड हो, यही फूड खाना है, ताकि हमारे चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो कम हो जाएं। और ये समस्याएं जेंट्स में भी मिलती हैं, पर जेंट्स में ये समस्या कम होती है। इसके लिए मैंने एक फेस पैक रेडी किया हुआ है। इस फेस पैक को अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो जल्दी ही कम हो जाएंगी। तो और इसको लगाने का तरीका यह है कि जहाँ पर हमारी झाइयाँ होती हैं, बस वहाँ पर हमको ऐसे उल्टे में मसाज करना है, ताकि हमारा जो फेस है ऊपर की साइड मसाज करना है, तो धीरे धीरे करके जो झाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी। तो चलिए हम अपने उस फेस पैक की तरफ चलते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच बेसन और हल्दी, और ये है फिटकरी। फिटकरी मैं थोड़ा सा इसको जब इसमें पेस्ट बनाऊंगी तो ये घुल जाएगी, तो इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। बस इस टाइप से आप अपने हाथों की हेल्प से इसको पूरे फेस पर लगा लीजिए। और इसको हल्का सा सुखाना है, ताकि इसको रगड़ रगड़ के छुटाना है, निकालना है हमको, ताकि हमारे जो ऊपर की स्किन की जो डेड स्किन है ना, वो भी साथ में निकल जाए। थोड़ा सा हम इसको सुखाएंगे, मसाज करेंगे हल्का हल्का फेस का। ये आपको डेली करना है, क्योंकि जो बेसन होता है, बेसन में बहुत ही अच्छा जो एंटी सन टैनिंग इफेक्ट होता है। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, लेमन में तो ऑलरेडी विटामिन सी है, और रोज वाटर हाइड्रेशन के लिए है। और हाँ, हमको पानी बहुत अच्छे से पीना है, हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और सिट्रस फ्रूट हमको अच्छे से खाना है। जैसे हमारा ये सब सूख जाएगा पेस्ट, तो हम इसको मसाज करेंगे, और मसाज कर करके हम इसको फिर वॉश कर देंगे।